इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम अपना आधार कार्ड में एड्रेस है उसे चेंज कैसे करें या फिर अपडेट कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाली हूँ, आप अपने मोबाइल से ही करेक्शन कैसे करोगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल कंप्लीट प्रोसेस देखिएगा, मैं A to Z प्रोसेस बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है जो कि myaadhar.uidai.gov.in है। इसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं या फिर आप यहाँ पे इस तरह से वेबसाइट पर सर्च करके इस वेबसाइट पर आ सकते हो, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस से आप कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्टली इस तरह का वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको यहाँ पर जो लॉगिन का एक ऑप्शन है यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर आधार नंबर देना है, उसके बाद ये जो कैप्चा यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ पर लॉग इन विथ OTP पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पर आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP को यहाँ पर फिल कर देने के बाद यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर लॉग इन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर में आपका यहाँ पर एक उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करते यहाँ पर आपका आधार कार्ड नजर आएगा। तो यहाँ पर फ्लिप करके आप बोथ साइड देख सकते हो। उसके बाद हमें अभी आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना है, उसके लिए एड्रेस अपडेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, एक है अपडेट आधार ऑनलाइन जो कि आप अपना डॉक्यूमेंट से अपडेट कर सकते हो, दूसरा वाला ऑप्शन है हेड ऑफ द फैमिली जो कि आपका हेड ऑफ द फैमिली बेस से आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हो। तो अभी हमारा अपना खुद का डॉक्यूमेंट्स है तो हम यहाँ पर अपडेट आधार ऑनलाइन पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार पर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, पहले नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर सब करेक्शन कर सकते थे ऑनलाइन, अभी सब बंद कर दिया गया है, अभी सिर्फ आप आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हो। तो ये एड्रेस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपका जो पुराना करेंट डिटेल्स है वो यहाँ पर शो करेगा ऊपर में। उसके बाद हमें अपना जो डिटेल्स हमें अपडेट करना है वो अपडेट डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है, जो डिटेल्स टू बी अपडेटेड में यहाँ पर नीचे केयर ऑफ दिया गया है। यहाँ पे आप अपना सन ऑफ या डॉटर ऑफ जो भी अपना है वो यहाँ पर ऐसे करके आपको टाइप कर देना है। उसके बाद जो आपका फादर नेम मदर नेम जो भी है अपडेट करना चाहते वो यहाँ पर देना है, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस में ही फादर नेम मदर नेम आता है, ठीक है। उसके बाद हमें जो एड्रेस अपडेट करना है उसको यहाँ पर अपना स्ट्रेट एरिया लोकेलिटी लैंडमार्क और पिन कोड यहाँ पर डालते ही आप डिस्ट्रिक्ट स्टेट है ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पिन कोड एंटर करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पर सब फिल हो जाएगा। हमें यहाँ पर विलेज टाउन सिटी यहाँ पर हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर मैनुअल अपडेट में हमें मैनुअल पर ही टिक रहने देना है। उसके बाद सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टाइप में हमें यहाँ पर क्लिक करने के बाद बहुत सारा यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर आप एक एक करके जो आपके पास है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो उसका भी मैं ऑप्शन यहाँ पर बता देती हूँ। ये वाला सर्टिफिकेट आपको रेडी कर लेना है, इसको रेडी करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। फोटो चिपका कर फोटो पर क्रॉस सिग्नेचर स्टैम्प अटेस्टेड करा लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करके गैजेटेड आप किसी का भी जो भी आप यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन रहता है, जैसे कि आप एक स्टैम्प काउंसिलर से भी करा सकते हैं, ग्राम पंचायत से भी करा सकते हैं या फिर गैजेटेड ग्रुप ए ऑफिसर से भी करा सकते हैं अटेस्टेड, ठीक है। तो ये सभी वैलिड रहेगा यहाँ पर। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैं भी यहाँ पर गैजेटेड ए का स्टैम्प सिग्नेचर अपडेट करा कर ही यहाँ पर अपलोड करने वाली हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर ग्रुप ए पर यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर एडवाइजरी आएगा डॉक्यूमेंट, उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू टू अपलोड पर फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करके रखा है वो डॉक्यूमेंट 2 MB के अंदर होना चाहिए PDF फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर 100% यहाँ पर ग्रीन साइन हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपने एड्रेस वहाँ पर फिल किया तो वो सब यहाँ पर शो हो रहा है और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है उसमें मिस्टेक हो गया है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स भी आप देख सकते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पर यहाँ पर टिक कर देना है, यहाँ पर नीचे UID टू करेक्ट और यहाँ पर I hereby टू कन्फर्म दैट पर यहाँ पर दोनों पर टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 rupees अब आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। उसके लिए हमें यहाँ पर इसको फॉलो करना पड़ेगा, तो I hereby पर फिर से कन्फर्म दे देना है। उसके बाद इस पर रुपए पर ही क्लिक रखने देना है। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप रिडायरेक्ट
कर देगा पेमेंट वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपना स्कैन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से भी कर सकते हो, कार्ड से भी, नेट बैंकिंग से भी, वॉलेट से भी, तो बहुत सारा ऑप्शन है। तो मैं अभी यहाँ पर इसको स्कैन करके करने वाली हूँ। जैसे ही यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पर इस तरह से शो करने लगेगा। जैसे ही शो करने लगेगा आप यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको प्रोसेसिंग लेने देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर ये भी कंफर्म 100% हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद इस स्लिप को ओपन करके यहाँ पर आपको अब स्टेटस कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर एक SRA नंबर दिया हुआ है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपको स्टेटस कैसे चेक करना है, तो आपको फिर से फर्स्ट वाला ऑप्शन पर चले आना है, जो आपने पहले बार यहाँ पर लॉग इन किया था उसी वाले वेबसाइट पर चले आना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो अभी हमारा SRA नंबर है हमारे पास, SRA नंबर पर टिक करके उसके बाद एंटर SRA नंबर को यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जहाँ तक आपका स्टेटस पहुँचा है वहाँ तक यहाँ पर दिखा देगा। अगर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आपको शो करने लगेगा। तो मैं यहाँ पर दूसरा एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर डाल के दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाएगा योर आधार हैज बीन जनरेटेड। तो अब आपका जनरेट हो चुका है, तो आपको आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, तो फिर से आपको बैक आना है। उसके बाद यहाँ पर एक डाउनलोड आधार का एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार नंबर से भी आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर एंटर आधार नंबर पे अपना आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा है यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, फिल करने के बाद आपका वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड इजीली डाउनलोड हो जाएगा। तो इतना ही प्रोसेस है गाइस। इस प्रोसेस को करने के लिए सिर्फ आपका आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, तभी आप ये प्रोसेस को कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी स्टेप से मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो प्लीज़ एक प्यारा बैग देना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।